दिल्ली के केंद्र में बीआरएस पार्टी के विस्तार और गतिविधियों के लिए पिछले साल शुरू किया गया 4 मंजिला बीआरएस पार्टी भवन उद्घाटन समारोह के लिए तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम केसीआर दिल्ली के बसंत विहार में देश के व्यापक विकास और किसान राज्य की स्थापना के उद्देश्य से उभरी बीआरएस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय अस्तित्व में आने से बीआरएस पार्टी के देशव्यापी विस्तार में तेजी आने वाली है। बीआरएस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बीआरएस प्रमुख केसीआर वास्तुकला के सबसे प्रामाणिक सिद्धांतों पर बने कार्यालय में प्रवेश करेंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा करेंगे। बीआरएस कार्यालय दोपहर 1:05 पर खोला जाएगा। 20,000 वर्ग गज और 1,300 गज में बनी इस 5 मंजिला इमारत में राष्ट्रपति कक्ष के अलावा 4 अन्य सचिवों के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। 40 लोगों को समायोजित करने के लिए एक सम्मेलन कक्ष बनाया गया था। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्रियों और विधायकों समेत 200 जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। टीआरएस और बीआरएस बनने के बाद पार्टी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यालय होने के इरादे से दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय बनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर की सभी पार्टियां गतिविधियों केंद्रीय कार्यालय से संचालित होती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी कार्यालय विभिन्न पार्टियों को एक मंच पर लाने, सम्मेलनों और बैठक के मंच के रूप में काम करता है। राज्यपाल तमिलसाई ने सीएम केसीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी की। कुछ लोग बोलते हैं पर काम नहीं करते। तमिलसाई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य की पहली नागरिक होने के नाते उन्हें तेलंगाना सचिवालय से कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी राज्य के मुखिया से मिल सकते हैं, लेकिन वह इस राज्य प्रमुख से नहीं मिल सकते। प्रगति भवन और राजभवन दूर है। विकास का मतलब एक परिवार का विकास नहीं है, पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए। To give the solution. But in this country, it's a challenging situation. We can meet the heads of other countries, but we cannot meet the head of this state. It's very unfortunate sometimes. And we cannot come closer also. Countries can come closer. But very unfortunate, I should not talk politics, but Rajbhavan, Pragati Bhavan cannot come closer. For the wake of the sake of this country, and there is a very big secretariat building open, but there is no any invitation for the first citizen. So I want to tell here, no, there should be open mind. It's for our people. Nobody is for self. Whether it is chief minister, whether it is governor, or whether it's council of minister, they are not for self. They are for the state and they are for the country. Because we think that this forum and our honorable prime minister and all of us think that we are for the people. Vaccination, we didn't give to some states, we did not give to other states, no. Somebody asked me why there is central monitoring for vaccination. And then why you people are not taking the vaccination first. Then we told, if I take the vaccination first, it will be denied to another eligible person. So let all the eligible persons get, then we will get. Even somebody criticized, oh, because we want you to test on others. You will tell anything. If you give to others, you will tell. If you take first, then you are all taking first, leaving all the, everything will be criticized. But the general intention is, do good to the people. All the people should be safe. And we are all with selfless motto only. Why I want, in spite of me traveling 5 hours, why I want to come here? Because you are working for the public. मंत्री केटिया ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना निवेश का गंतव्य है और राज्य में निवेश करने वाली स्वीडिश कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। भारत में स्वीडन के राजदूत जॉन टेस्लेफ के नेतृत्व में उन्होंने सचिवालय में देश के व्यापार और व्यापार प्रतिनिधियों और कई कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। मंत्री केटिया ने तेलंगाना की औद्योगिक नीतियों, सरकार की सोच और निवेश के अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने स्वीडिश कंपनियों से प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की। भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को तेलंगाना में आमंत्रित किया गया था। स्वीडन के राजदूत जॉन टेल्सफ ने आश्वासन दिया कि वह हैदराबाद में अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ तेलंगाना में अधिक
अधिक निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। यह पता चला है कि उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए आगे आने वाले कंपनियों के एक समूह के साथ काम करने के लिए निवेश सुविधा तंत्र नामक एक विशेष प्रणाली की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि यह स्वीडन के व्यापारिक और व्यापारिक संगठनों के साथ साथ कई कंपनियों के साथ काम करता है। मंत्री केटीआर ने कहा कि उनका दूतावास तेलंगाना राज्य में निवेश के अवसरों की लगातार जाँच कर रहा है और स्वीडिश कंपनियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। जीएचएमसी काउंसिल की बैठक बीच में समाप्त हो गया। विपक्षी सदस्यों के आंदोलन और अधिकारियों के बहिर्गमन के कारण बैठक बीच में ही समाप्त हो गया। शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा के कई पार्षदों ने मंगलवार को जल मंडल कार्यालय पर धरना दिया। जीएचएमसी मुख्यालय के सामने भाजपा पार्षदों ने अभिनव प्रदर्शन कर धरना दिया। उधर कांग्रेस नगर सेवकों ने भी तख्तियों प्रदर्शित की और शहर की समस्याओं को दूर करने की मांग की। बाद में जब बैठक शुरू हुई, कुछ देर बाद भाजपा पार्षदों ने सभा में नारेबाजी की। मेयर विजयलक्ष्मी पीछे नहीं हटी, जितने नगर सेवक महापौर की कुर्सी के पास गए, बैठक गर्मा गई। इसी क्रम में जल बोर्ड कार्यालय में हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने बैठक से वॉकआउट करने का ऐलान कर दिया। अधिकारियों ने महापौर को समझाया कि उन्हें लगा कि उनके कार्यालय के सामने एक झुकाव रखना अपमान है और फिर बैठक छोड़ दे। जीएचएमसी के अधिकारियों ने यह भी घोषणा की कि वे जल मंडल के अधिकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए वॉकआउट कर रहे। एक और महापौर ने घोषणा की कि बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि अधिकारियों के बहिष्कार और विपक्षी सदस्यों के नारों के कारण भ्रम की स्थिति थी। उधर बैठक के मध्यावधि स्थगन से नाराज भाजपा पार्षदों ने परिषद में ही धरना दिया। करीब 8 घंटे के तक भाजपा पार्षदों ने परिषद में ही धरना दिया। बाद में पुलिस ने परिषद में प्रवेश किया और भाजपा पार्षदों को बाहर निकाला। पार्षदों को मार्शलों ने खदेड़ दिया। इसी क्रम में पुलिस और पार्षदों के बीच कहासुनी हो गई। बिजली काट कर भाजपा पार्षदों को गिरफ्तार किया गया। महापौर विजयलक्ष्मी ने शासी निकाय की बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह बैठक में समस्याओं पर चर्चा किए बिना अधिकारियों का अपमान करने और बहस करने का निंदा करते हैं। मेयर हिताऊकिर ने कहा कि जनता के मुद्दों को किनारे रखकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना गलत है। एमडी दानकिशोर ने कहा कि जलमंडली मुख्यालय पर भाजपा पार्षदों द्वारा किया गया हमला दुखद है। लोगों और जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे जल बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सहयोग करें, चाहे वे किसी भी दल के हो। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सहयोग मिलने पर बेहतर सेवाएं देने का मौका मिलेगा। हैदराबाद शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके कर्मचारियों और कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही देश में हमसे बड़े शहर है, लेकिन हैदराबाद शहर को पेयजल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन के मामले में केंद्र और अन्य राज्यों से पुरस्कार और सराहना मिली है। बताया गया कि पेयजल आपूर्ति के लिए जल बोर्ड को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। संबंधित शहरों के जल बोर्ड के अधिकारी पहले ही जल बोर्ड का दौरा कर चुके हैं। मुझे लगता है तेलंगाना प्रशासन के दिल के रूप में सबसे आधुनिक सुविधाओं से निर्मित सचिवालय शुरू करना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, आसमान की ऊंचाई पर शानदार सचिवालय बनाया गया है ताकि तेलंगाना समाज उभर सके। उन्होंने कहा कि यह राज्य के पुनर्निर्माण की गवाही के रूप में खड़ा है, यह सबसे सुंदर शिखर है। मुख्यमंत्री ने कहा, तेलंगाना हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व। जीएचएमसी के अधिकारियों के बीच विवाद बवंडर में बदल गया। जीएचएमसी के अधिकारी इस बात से नाराज है कि कुछ नगर सेवक उन्हें निशाना बना रहे हैं, जबकि अधिकारी कहीं कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ममता ने चेतावनी दी कि अगर वे काम नहीं करते तो समस्याएं वही रहती, भले ही वे बिना ताकत दिखाए संबंधित संभाग स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया जाता और अगर वे बोले। शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फ्री वर्कबुक्स और नोटबुक्स दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को निशुल्क कार्य पुस्तिकाएं और उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को नोटबुक देने का निर्णय लिया है।
मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में शिक्षा विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार के मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने के फैसले से प्रदेश के 24 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्कूल शुरू होने से पहले वर्कबुक और कॉपी उपलब्ध कराने का उपाय करें। राज्य के सभी छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल के फिर से शुरू होने तक द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएं। मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर जहां 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वहीं आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और छात्रों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मंत्री ने सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को लगभग 150 करोड़ की लागत से स्कूल खोलने तक दो जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जैसा कि 12 जून से स्कूल फिर से खुल रहा है, मंत्री ने सुझाव दिया कि एक स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए और स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों को इसमें भाग लेना चाहिए। राज्य नगर पालिका प्रशासन के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने ओआरआर टेंडर के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ओआरआर टेंडर पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएचआई की अनुमति के बिना टोल शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लीज के लिए बेस प्राइस तय हो गया है, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। एनएचएआई ने बेस प्राइस का भी खुलासा नहीं किया है। पता चला है कि ओआरआर बोली में आधार मूल्य से अधिक प्राप्त हुआ है। बोली लगाने की अवधि 142 दिनों की दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके पास H1 से पूछने का लचीलापन है, क्या वह बोली को और बढ़ाएंगे। अरविंद कुमार ने कहा कि अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक खामियों को दूर कर आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। कितने ही झटके अगर कोई पार्टी है जो अब तक नहीं बदली, तो कहना पड़ेगा कि वह सत्ताधिक कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना में जब उस पार्टी का वजूद ही सवालों के घेरे में है, तो कांग्रेस नेताओं की कोशिश देखिए। अगर आप उनके बर्ताव के तरीके को देखें, जैसे कि पार्टी से ज्यादा उनके पद महत्वपूर्ण है, तो आपको चौंकना होगा। कठिन समय में पार्टी की स्थिति सुधारने के उपाय करने के बजाय समूह द्वारा किए गए प्रयासों को समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मालूम हो कि तेलंगाना में कभी न रुकने वाली कांग्रेस की आज दुर्दशा हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस में वर्ग भेद सामने आ गया है। बेरोजगारी विरोध सभा छिड़ गई। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बेरोजगारी विरोध की योजना बनाई है और उसी के हिस्से में रूप में यह घोषणा की गई है कि 21 अप्रैल को नालगोंडा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में एक बैठक होगी। यही ये असली विवाद शुरू हुआ। बताया जाता है कि क्षेत्र के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर अधीरता व्यक्त की है कि वे उन्हें बिना कोई सूचना दिए बैठक की घोषणा कैसे कर सकते हैं, और इस मामले पर अपनी पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी से शिकायत की है। साथ ही पीसीसी प्रमुख पहले से ही उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह मनमाने फैसले ले रहे हैं, और पिछली मंचाचार सभा में भी कुछ नेताओं की पीसीसी प्रमुख से अनबन हुई है। पीसीसी प्रमुख के नलगोंडा जिले के संयुक्त नेता से भी संबंध खत्म हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में यह ताजा मामला चर्चा का एक विषय बना हुआ है। हालांकि पीसीसी प्रमुख पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में कहते रहे हैं कि वह एक तरफा फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन उनके व्यवसायी गुट के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति अलग है और इसी के अलावा वे पदयात्राओं में नेताओं के रूप में कार्य करते हैं। जहां टीपीसीसी अध्यक्ष पदयात्रा कर रहे हैं, वही सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, जिन्होंने पीपल्स मार्च नाम से शुरुआत की थी, एक और यात्रा जारी रखे हुए हैं। आरो नहीं चुलू नहीं बेटे का नाम सोमलिंगम है। तेलंगाना राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी पर कांग्रेस में पहले से ही बहस चल रही है। तेलंगाना कांग्रेस में एक स्थिति देखी जा रही है, जहां बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कतारें लग रही है। आंतरिक लोकतंत्र स्वतंत्रता वाली पार्टी है, यह शेख ही बघारते हुए नेतृत्व को यह मानना चाहिए कि आंतरिक लोकतंत्र की आड़ में अनुशासन को भूलकर मंडली के किले में कदम रखने वाले नेताओं की हरकतें पार्टी की मदद कर रही है और किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगी जिससे नुकसान हो। पार्टी से अमल में लाना चाहिए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता खुद को सीएम की दौड़ में होने का प्रचार कर रहे हैं और पहले से ही
कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अन्य दलों के प्लान कर रहे हैं और कुछ वरिष्ठ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर विवादित बयान दे रहे हैं। पार्टी लाइन को भ्रमित किया जा रहा है। भले ही फंसे हुए कबूतर पुराने कबूतर के शब्दों को दोष देते हैं, चित्रग्रीव नेता साहस लेता है और उन्हें गलती के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की सलाह देता है और सभी कबूतरों को टेकुआ से मुक्त करता है। कांग्रेस बच जाएगी यदि वे इस कहानी की नैतिकता को समझे और प्रेरित हो और एकजुट होकर जीत के लिए लड़े, नहीं तो मिट जाएगा। वरिष्ठों और कनिष्ठों से अहंकार को छोड़कर नेता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सम्मान देते हुए यदि वे अनुभवहीनता के कारण गलतियां करता है तो उन्हें एक अनुभवी नेता द्वारा सुधार जाना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक नेता को कभी कभी सलाह के लिए अनुभवी लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए। चुनाव के लिए पार्टी की प्रभावी ढंग से तैयार करना चाहिए। नेताओं की कार्यशैली को परे ढकेले जीत की रणनीतियों को धार दे, सरकार की नाकामियों के सुखाए और सत्ता में आने पर जनता के लिए प्रचार शुरू करें, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने उन्हें दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा को दोगुना करने की मांग की है। रघुनंदन राव ने डीजीपी कार्यालय में एक पत्र सौंपकर कहा कि उन्हें कुछ लोगों के धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पूर्व में भी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सरकार को आवेदन दिया था लेकिन अब तक इसे अनसुना कर दिया गया है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद रघुनंदन राव ने अफसोस जताया कि सरकार ने भले ही पुलिस के लिए 11,200 वाहन खरीदे लेकिन लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने पूछा कि मूल संयुक्त आंध्र प्रदेश में कितने पुलिस वाहन है, तेलंगाना आने के बाद खरीदे गए वाहन कहाँ है और किसके पास है। उन्होंने पूछा कि हर महीने इस पर कितना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा करने के बावजूद जुबली हिल्स जैसी जगहों पर रेप केसेस कैसे होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से निर्मित सचिवालय में हाल ही में हुई बारिश के कारण छत से पानी रिसने की खबरें आ रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वीडियो फर्जी है। इस हद तक ट्विटर हैंडल फैक्ट चेक ने राज्य और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में गलत जानकारी की जांच करने की घोषणा की है। कहा जाता है कि पानी सचिवालय से नहीं बल्कि उसके परिसर में खड़ा पानी से रिस रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा एक वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना सचिवालय पर पानी रुक गया है, लोगों को पूरी तरह गुमराह कर रहा है। वीडियो में जो दिख रहा है वह नया सचिवालय के बाहर निर्माणाधीन के एक व्यावसायिक परिसर है। इस परिसर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कॉम्प्लेक्स पर पानी खड़ा है तो सचिवालय पर पानी खड़ा है। घटिया आइसक्रीम बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रंगारेड्डी जिले के अमंगल में घटिया आइसक्रीम बनाने वाले की सूचना मिलने पर पुलिस ने संबंधित फैक्ट्री में छापेमारी की। इन छापों में ढेर सारी नकली आइसक्रीम मिली, दो को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 लाख की आइसक्रीम और वाहन जब्त किए गए। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से बिना अनुमति लिए चल रही इस फैक्ट्री को देखकर उपभोक्ताओं जरूर चौंक गए होंगे, जबकि उद्योग में अस्वस्थकर स्थितियां व्याप्त है। आइसक्रीम में उपयोग की जाने वाली सामग्री में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। केतुगल इन पर आकर्षक स्टिकर लगाकर बाजार में उतार रहे हैं। गांव उनके मुख्य निशाने पर नजर आ रहे हैं। अभिनेता शरद बाबू की बहन ने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि वह मर चुके हैं। उसने कहा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह बात फैला रहे कि शरद कुमार मर चुका है। शरद बाबू का सिर्फ अस्पताल में कमरा बदलने के लिए कहा गया था। शरद बाबू का अभी इलाज चल रहा है, आशा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बीच 71 वर्षीय शरद बाबू का इलाज बहुअंग रोग के साथ हैदराबाद के एक प्रसिद्ध अस्पताल में चल रहा है।